इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आ जाते हैं एन एरर एक्यूरेट वाइल अटेम्प्टिंग टू प्ले दिस वीडियो प्लीज़ चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ से पहले मिनिमाइज़ कर देना है और फिर जो है अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर प्लेक्स को सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करेंगे इंटरनेट चलता होगा तो वहाँ पर आपको अपडेट दिखाई देगा एक यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले अगेन करते हैं तो ये आ गया यहाँ पर अपडेट इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको अपडेट दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो है अपडेट ही कर लेना है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर बैक ला देना है। जो प्ले कर रहे हैं वो सही फाइल होनी चाहिए, ठीक है, सही वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, जब प्ले करिएगा। और फिर सेटिंग्स में जाइएगा और यहाँ पर अपने नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाइएगा, एक दफ़ा इसको खोल लीजिएगा। तो हम इसको एक दफ़ा खोल लेते हैं और यहाँ पर आपका एरोप्लेन मोड को लगा देना है, बंद कर देना है, बैक लाना है और यहाँ पर नीचे जाना है सिस्टम में, डेट एंड टाइम पर जाना है, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा देना है, टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके लगा दीजिएगा, बैक ला देना है, उसके बाद बैक ला देना है और यहाँ पर आपको ऐप से नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर CLAPS को फिर आपको जो है खोल लेना है। तो हम इसको खोल लेते हैं। और यहाँ इसे ओपन कर लेना है, यहाँ से फिर आपको जो है फोर्स स्टॉप कर देना है, परमिशंस पे जाना है और स्टोरेज की परमिशन को अलाउ कर देना है और मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है, बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने देना है। तो इतना ही आपको करना है, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।